अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ मोहम्मद मुबशर इरफान, यू आर वाचिंग क्रिप्टो मूवी यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन को, और वो है रशिया की इकनॉमी के बारे में। और इस चीज़ का ताल्लुक बिटकॉइन से क्या लेन देन है, मैं इसको क्रिप्टो चैनल में क्यों कवर कर रहा हूँ, ये बहुत ही एक आप लोगों के लिए अलार्मिंग सिचुएशन है कि अब जो बिटकॉइन का जो आप लोग समझते थे ना कि कोई यूज़ नहीं है, जो लोग कहा करते थे कि वर्चुअल एसेट की कोई वैल्यू नहीं है, ये जस्ट स्कैम है, ये ख़त्म हो जाएगा, अब लोगों को डिसेंट्रलाइजेशन की और इस क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू पता लगेगी कि इसकी असल में वैल्यू क्या है। ठीक है, इस वक्त अगर हम बात करें रशिया की इकनॉमी के बारे में, तो जब से रशिया ने यूक्रेन पर इन्वेड किया है तो खाली यूक्रेन के नहीं रशिया के हालात भी बहुत ज़्यादा, बल्कि हालात नहीं उसकी इकनॉमी बिगड़ चुकी है पूरे तरीके से, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज ने वहाँ पे अपनी सर्विसेज देना बंद कर दी। इवन के जो गाड़ियों की कंपनी है, BMW, मर्सिडीज, टोयोटा, होंडा, वहाँ पे उन सब ने भी अपने ऑपरेशंस क्लोज कर दिए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें टेक की एप्स के बारे में, जिस तरह नेटफ्लिक्स है, नेटफ्लिक्स ने भी वहाँ पे बैन कर दिया गया है। एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी सर्विसेज को वहाँ पे बैन कर दिया। सैमसंग ने भी वहाँ पे अपनी सर्विसेज को बैन कर दिया। इसके अलावा रशिया की जो फुटबॉल टीम है फीफा से निकल चुकी है, अब नेक्स्ट वो नहीं खेल पाएगी, चाहे वर्ल्ड कप होंगे फीफा के, सो वो नहीं खेल पाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है, अगर हम एक आपको चीज़ बताऊं तो रशिया में 80% लोग, 2020 की स्टडी के मुताबिक 80% लोग, मतलब रशिया के 5 हिस्से, उन 5 में से 4 हिस्से जो थे वो अपनी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन जो होती थी, वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड, और इन जिस तरह रिमाइटी हो गया, वाइस हो गया, स्विफ्ट भी बैन कर दिया गया, इन सब चीज़ों के जरिए किया करते थे, और इन सब ने भी अपनी सर्विसेज रशिया में देना बंद कर दी हैं। ये 2020 का डेटा मैंने आपको बताया कि 80% लोग करते थे, और जैसे जैसे आपको पता है कि तरक्की बढ़ रही है, ठीक है, दुनिया आगे की तरफ जा रही है, बिल्कुल उसी ही तरीके से यहाँ पे लोगों के डेली ट्रांजेक्शन्स बढ़ रही हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें पाकिस्तान की फ्रीलांसिंग, आपने देखा कितना ज़बरदस्त उछाला है पाकिस्तान की जो कौम है इस वक्त, जो नौजवान नस्ल है वो इस वक्त सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में फ्रीलांसिंग के जरिए पैसा कमा रही है इस वक्त, फ्रीलांसिंग के जरिए और बाहर से पैसा ला रही है। तो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स की नीड के लिए यहाँ पे किन किन चीज़ों का यूज़ होता है वो भी आप देख लो। अब उन्होंने भी रशिया में अपनी चीज़ों को करना बंद कर दिया है, तो वहाँ पे तो बहुत गंदी इकनॉमी का, मतलब एक तरीके से भौजाल आ जाएगा, ख़त्म हो जाएगी ना इकनॉमी। तो ये तो यही चीज़ें इंडिकेट कर रही हैं यार, स्विफ्ट कोड के जरिए अगर आप यहाँ से, मैं पाकिस्तान से रशिया में किसी को पेमेंट भेजना चाह रहा हूँ तो वो मैं नहीं भेज पाऊँगा, मैं किसी को ATM के जरिए किसी को मैं उसके बैंक ट्रांसफर करना चाह रहा हूँ मैं नहीं कर पाऊँगा, क्यों? क्योंकि रिमाइटी बैन है, क्यों? क्योंकि वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड सब बैन है, तो वो लोग क्या करेंगे? इसी वजह से लोगों ने क्या किया है, वहाँ पे अपना पैसा निकालना स्टार्ट कर दिया। अगर आप देखो जो कि रूबल करेंसी है रशिया की, वो बहुत बुरे तरीके से घिरी है अगेंस्ट दी, ये जो अभी चल रहा है, ये जो इन्वेड हुआ इसके बीच में 50% उसके अंदर घिर चुकी है वो, 50%। इसका मतलब ये हुआ कि डॉलर पाकिस्तानी वैल्यू में, अगर डॉलर 170 रुपये, तो डॉलर यहाँ पे इस वक्त आ चुका है वहाँ पे 90 रुपये या 80 रुपये में, तो इतना कुछ बुरा इफेक्ट हुआ है। तो इसी तरीके से अगर सोचो कि डॉलर गिर जाए तो अमेरिका की इकनॉमी कहाँ जाएगी, ठीक है? इसी तरीके से यहाँ पे ये हुआ है कि जो रशिया की हालत है वो वेनेजुएला जैसी होने लग गई है, वहाँ भी एग्जैक्टली यही हुई थी, और एक तरीके से इकोनॉमिकल वॉर के जरिए रशिया को छेड़ा जा रहा है। तो अब रशिया क्या करेगा यहाँ पे? अब आप मुझे एक चीज़ बताओ, अगर आप इंटरनेशनल पेमेंट्स करते हो, आपका सारा काम इंटरनेशनली है, ठीक है, आप यहाँ पे अगर किसी को फ्रीलांसिंग में काम करके दे रहे हो तो आप उससे पेमेंट इंटरनेशनली लोगे ना, कि आप उसको कहोगे मुझे स्विफ्ट कोड के जरिए दे दो, मुझे बैंक ट्रांसफर कर दे दो, लेकिन वो सब चीज़ें बैन होंगी, सेंट्रलाइज अथॉरिटीज़ ने वहाँ पर बैन कर दिया है, तो यहाँ पर असल वैल्यू स्टार्ट होगी डिसेंट्रलाइजेशन की। मैं जो कहता था ना डिसेंट्रलाइजेशन फ्यूचर है, जितनी भी चीज़ें डिसेंट्रलाइज है सब फ्यूचर है, इसकी अब वैल्यू पता चलेगी। अब बिटकॉइन की वैल्यू आप US डॉलर में देखो तो यहाँ पे बिटकॉइन की वैल्यू हमारे पास घिरी हुई है, ठीक है, ये देखो आप इस वक्त बिटकॉइन की वैल्यू US डॉलर की वैल्यू में क्या है, 39,300, मतलब ऑलमोस्ट 40,000। लेकिन अगर मैं आपको चीज़ दिखाऊँ जो कि रूबल करेंसी है बिटकॉइन के अगेंस्ट, उसने ऑल टाइम हाई क्रिएट कर दिया जो रशिया की करेंसी है। हालांकि आप एक चीज नोट करना, बिटकॉइन की USD प्राइस और बिटकॉइन की रूबल प्राइस साथ चलती थी बिल्कुल, यहाँ पे जब 2012 में बिटकॉइन ने जब ऑल टाइम हाई क्रिएट किया था $65,000 का, तो उसी दिन 12 अप्रैल को रूबल करेंसी ने भी बिटकॉइन के अंदर ऑल टाइम हाई क्रिएट किया था, बिल्कुल साथ साथ चलते थे। अभी यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे 1 नवंबर को अगर बिटकॉइन अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट किया था यहाँ पे, ठीक है, एग्जैक्टली आप डेट नोट कर लें, नीचे सब लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे डेट भी आ रही है 69,300 का, एग्जैक्टली उसी दिन रूबल करेंसी ने भी ऑल टाइम हाई क्रिएट किया था, साथ साथ चल रहे थे ना क्योंकि। लेकिन जब यहाँ पे मार्केट्स डाउन है US डॉलर अगेंस्ट के, तो कुछ भी नहीं है ना, तो उस वक्त ये अपना ऑल टाइम हाई क्यों क्रिएट कर रहा है? क्योंकि लोगों में पैसों की वैल्यू, अपना लोगों को पैसा सेव करना है, तो सबसे ज़्यादा अगर वो अपना पैसा ऐसे ही छोड़ देंगे बैंकों में तो वो 50% उसकी वैल्यू ऑलरेडी गिर चुकी है, और अगर और बुरी सिचुएशन आती है तो वो और गिर जाएगा। लेकिन बिटकॉइन के अंदर अगर अपना वो पैसा रख लें तो उनका पैसा स्टेबल रहेगा,
समझ रहे आप लोग बात को, तभी देखें इसकी कितनी बड़ी हाइप आई है रशिया के अंदर और किस तरीके से लोगों ने डिसेंट्रलाइज चीज़ों का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया। अगर वीजा स्विफ्ट कार्ड बैन हो गया तो क्या लोग तो बैठ थोड़ी ना जाएंगे। उसने क्या किया, अपना ट्रस्ट वॉलेट का एड्रेस, अब डिसेंट्रलाइज अथॉरिटी है ना, उसको कोई बैन नहीं कर सकता, कोई कंपनी उसको ओन नहीं करती, डिसेंट्रलाइज है, ब्लॉकचेन पे मेंटेन है पूरी चीज़। ब्लॉकचेन अगर आपने नहीं पढ़ी तो मेरी इसी चैनल के ऊपर मेरी वीडियो ब्लॉकचेन वाली, मैं नीचे आपको उसका लिंक दे दूंगा, तो आप जाके देखो ब्लॉकचेन का जो अब असल मकसद है वो यहाँ पे इस्तेमाल होना स्टार्ट हो गया है। वो क्या करेगा, अपना एड्रेस देगा, अपनी प्राइवेट पब्लिक आईडी देगा, उस पर वो पैसा ट्रांजेक्शन सेव कर देगा, सिंपल ब्लॉकचेन में वो चीज़ रिकॉर्ड हो जाएगी, बीच में ना स्विफ्ट कार्ड की नीड पड़ी, ना वीजा कार्ड, ना मास्टर कार्ड, ना रिमाइटी, ना वाइस, किसी भी पेमेंट ऑप्शन की यहाँ पे नीड नहीं पड़ी। सो बेसिकली दिस इज द डिसेंट्रलाइज रिवोल्यूशन जिस पे आप सबको यकीन करना पड़ेगा। और मैं ये समझता हूँ कि अब जो ऑप्शन है, देखिए अब यहाँ पे खुद ही देख लेना कि कहाँ है इस वक्त, अगर हम बात करें 7 मार्च तो वैल्यू इस वक्त कितनी ऊपर है, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस वक्त बिटकॉइन की जो वैल्यू है वो 78% पंप है रशिया के अंदर इस वक्त। तो ये चीज, ये जो है वैल्यू है बिटकॉइन की, यही जिसको मैं कहता हूँ रिवोल्यूशन है। इसको हम कहते हैं कि बिटकॉइन रिवोल्यूशन, फ्यूचर जो है वो बिटकॉइन है। वरना देखो ये साथ साथ चलते थे यार, 2019 की क्रैश में ये भी क्रैश हुआ था, साथ साथ ऑल टाइम हाई क्रिएट करते थे। अब क्या हो गया, लोगों ने अपना पैसा डालना स्टार्ट कर दिया क्योंकि लोगों को भी वहाँ पे अक्ल आना स्टार्ट हो रही है। और ऐसे ऐसा इसी चीज़ को अगर आप देखोगे लॉन्ग टर्म में आने वाले कुछ 2-3 सालों में, तो बिटकॉइन की वैल्यू, बिटकॉइन क्या चीज़ है, ये आपको तब पता चलेगा। जो लोग अभी कह रहे हैं ना कि ये चीज़ की कोई वो नहीं है, तो दिस इज़ द फ्यूचर। लोग समझते हैं बिटकॉइन खत्म हो जाएगा, बिटकॉइन खत्म नहीं हुआ, बिटकॉइन अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है सही तरीके से। तो ये आप लोग मेरी बातों को लिख के ले लें, आने वाले टाइम में बिटकॉइन को कहाँ देखने वाले हो आप सब हैरान हो जाओगे। जब बिटकॉइन 100-150 डॉलर पर हुआ करता था ना, किसी ने नहीं सोचा था कि एक 1800-1100 रुपये वाला एसेट कल पाकिस्तानी वैल्यू में 1.5 करोड़ रुपये का होगा। सोना वहीं का वहीं रहा, थोड़ा सा बढ़ा, लेकिन क्या बिटकॉइन इतना बढ़ गया ना कि एक ऐसी हिस्ट्री क्रिएट कर दी बिटकॉइन ने कि ऐसा वर्चुअल एसेट जिसकी कोई फिजिकल अपीयरेंस भी नहीं है, लेकिन बिकॉज ऑफ द डिसेंट्रलाइजेशन और दिस इस सिचुएशन की वजह से इसकी वैल्यू आप देख रहे हो कि कहाँ से कहाँ जा रही है। सो मैं भी कहता हूँ कि बिटकॉइन ये जो डंप है, ये जस्ट बिटकॉइन का समझ लो, आप कुछ टाइम बाद बिटकॉइन को यहाँ पे खरीदने के लिए तरस रहोगे। आप बिटकॉइन को इस पॉइंट पे खरीदने के लिए तरस रहोगे, ये जो पॉइंट है ना, आप बिटकॉइन को इस पॉइंट पे खरीदने के लिए तरस रहोगे कि कहाँ होगा बिटकॉइन। सो बेसिकली ये चीज़ है जो चीज़ आपको समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और किस तरीके से वहाँ पे अब यूज़ केस होना स्टार्ट हो गया। अगर आप देखो तो यूक्रेन के अंदर जब इन्वेड हो रहा है तो वहाँ पे उसकी करेंसी की वैल्यू गिर गया ना, क्योंकि दो मुल्क जब आपस में लड़ रहे हैं तो उसकी तो गिरेगी जो इन्वेड कर रहा है, लेकिन जो इस वक्त हो रहा है उसकी भी तो वैल्यू गिरेगी ना, उसकी तो 70% गिर चुकी है। तो वो भी क्या कर रहे हैं कि डोनेशन जो ले रहे हैं बिटकॉइन के जरिए कर रहे हैं। अगर वो नेटो के जरिए कोई आर्मी के रिलेटेड कोई मतलब कोई वेपन बाय कर रहे हैं तो वो भी वो बिटकॉइन के जरिए बाय कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब यूज़ केस आना जो है वो स्टार्ट हो चुका है और ये जस्ट स्टार्ट है। लोगों को दिख गया कि हाँ ये चीज़ है डिसेंट्रलाइज, वैसे ऐसे इसकी हाइप आने वाली है बहुत जल्द। तो बेसिकली दिस इज द ये मेरी वीडियो बनाने का पूरा मोटिव है कि किस तरीके से बिटकॉइन इफेक्ट होगा इस पूरे जो सिचुएशंस चल रही हैं कि अगर एक दूसरे का इन्वेड हो जाता है क्या हो जाता है बिटकॉइन, तो वैसे भी फ्यूचर और कितने ऑप्शन में आपके पास बिटकॉइन अवेलेबल है, क्रिप्टो करेंसीज आपके पास अवेलेबल है। तो बस आज की मेरी ये वीडियो थी, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप सब अपना बहुत ही ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।